अस्सलाम इंट्रोडक्शन तो मेरा सुन ही लिया है। सो माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज रिसर्च इन गायनेकोलॉजी। स्टार्ट करें। कई दिनों से आप लोग यही चल रहा है, आप लोगों के यहाँ है ना, रिसर्च 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 है हर डिपार्टमेंट में। अब तक आपने कई डिपार्टमेंट के बारे में सुन लिया कि रिसर्च जो है इस डिपार्टमेंट में हम कैसे कर सकते हैं। आज हम पता करेंगे गायनिकोलॉजी में रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं, है ना, क्या क्या इसके एरियाज हैं, कौन से टॉपिक्स हम ले सकते हैं, है ना, और कौन कौन से डिपार्टमेंट गायनी से फायदा उठा सकता है, है ना, गायनी डिपार्टमेंट में रिसर्च करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक, जैसा कि पिछले दिनों से आप सुनते आ रहे हैं, हम रिव्यू करते हैं रिसर्च है क्या, है ना। इतनी सारी डेफिनेशन आपने सुनी होगी अभी तक, रिसर्च ये रिसर्च वो, है ना। बस सिंपली हम कह सकते हैं कि रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। व्हाट इज सजेस्ट करता है रिसर्च, डी मींस अगेन एंड सर्च इज सर्च, मतलब बार बार सर्च करते रहो, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीवन एल्स हैज सीन बट टू थिंक व्हाट नोबडी एल्स हैज थॉट, ठीक है। अब क्योंकि गायनेकोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसका भी ब्रीफ देख लेते हैं। गायनी क्या है, है ना, सबको पता होगा, आप लोग ऑलरेडी गायनी डिपार्टमेंट को जान चुके हैं, यूजी करके आए हैं, है ना। तो गायनी इज अ सिंपली स्टडी ऑफ वुमेन, इन विच वी स्टडी वुमेन डिजीज स्पेशली रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। और इन रिसेंट एरा इट इज पेयर्ड विद ऑब्स्टेट्रिक्स, तो गायनी नॉट कम अलोन, इट इज विद ऑब्स्टेट्रिक्स। तो व्हाट वी कैन डू इन रिसर्च एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिसर्च इज आइडेंटिफाइंग रिसर्च एरिया, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च स्टडी, कैरी आउट रिसर्च, एनालाइज रिसर्च रिजल्ट, एंड लास्टली वी पब्लिश द रिजल्ट। This is the research cycle we follow. Among all, the identifying research topic, this is very important, especially if we want to do research in gynecology. So it is very important to find research topic. What are the topics we can choose? So for choosing topic, these three steps is there. Formulate a research theme, formulate a specific research, write down, or we find the research topic. सबसे पहले आते हैं पहली चीज पे, रिसर्च एरिया। रिसर्च टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स एरिया है चूज करना, क्योंकि अब हम आए हैं इस डिपार्टमेंट में, हमारे पास ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। कौन से सब्जेक्ट में हमें रिसर्च करना है ये रियली फाइंड करना कि हम कैसे उस टॉपिक को चूज करें, ये सच में बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिसर्च एरिया, ठीक है। हम कौन से रिसर्च एरिया को चूज करें, किस एरिया में हम जाना चाहते हैं, वेदर हम गायनी में जाना चाहते हैं रिसर्च करने के लिए, या कुलियात में, या मॉलेजात में, जो भी डिफरेंट फैकल्टीज हैं, तो जो भी रिसर्च एरिया में हम जाना चाहते हैं वो आपके लिए फैमिलियर होना चाहिए, आप उसके बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तभी तो आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज, वो हमारी स्टडी से रेलिवेंट करनी चाहिए, रेलिवेंट टू स्टडी हो। ऐसा नहीं कि हम हैं मेडिसिन फील्ड में और हम कर रहे हैं नॉन मेडिकल फील्ड की रिसर्च, है ना, वो हमारी स्टडी से रेलिवेंट होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमारे लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग अगर नहीं होगा, जैसे कि यूजुअली फॉर मेल बॉयज सेक्शन गायनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, दे उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता उतना, वो लोग दूसरे टॉपिक को चूज करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, है ना। तो इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग होगा तभी आप उसमें अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च एरिया को फाइंड करने के लिए हमें बहुत सारे वेज हैं, हम कैसे रिसर्च एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो है कोर्स मटेरियल, हमारे कोर्स में क्या क्या चीजें हैं उन्हीं में से हम टॉपिक जो है वो चूज करेंगे। दूसरी चीज, हम लिटरेचर स्टडी करते हैं, चाहे लाइब्रेरी में हो, चाहे इंटरनेट से हम सर्च करें, चाहे सेमिनार अटेंड करके, जैसे कि अभी आप कर रहे हैं सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, उसमें आपको ढेर सारे क्लूज मिल रहे हैं, आइडियाज मिल रहे हैं कि हम किस किस एरिया में रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में, न्यूज सोर्स में, OPDs, IPDs में विजिट करके कि हम किस एरिया में कर सकते हैं, ठीक है।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके जो गाइड हैं उससे डिस्कस करके, उनसे बात करके आप रिसर्च एरिया जो है चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइनली रिसर्च एरिया अगर हमने चूज कर लिया है, जैसे कि अभी मेरा टॉपिक मिसवा कवालत है, तो मान लीजिए कि हमने मिसवा कवालत में चूज किया कि हम वहाँ रिसर्च करना चाहते हैं, इस एरिया में हमें रिसर्च करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है किसी से एक आइडिया होने से कि हमें मिसवा कवालत में रिसर्च करना है, हमने रिसर्च जो है वो हमारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, हमें उसके बाद टॉपिक चूज करना है, मिसवा कवालत में कौन सा टॉपिक पे करना है, ठीक है। और आप फिगर ही देख रहे होंगे कि एरिया और टॉपिक में क्या रिलेशन है, एरिया एक वास्ट चीज है और उसमें से टॉपिक सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आते हैं रिसर्च टॉपिक को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो रिसर्च टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चूज करना, और इसमें सिग्निफिकेंस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो हम की एलिमेंट यूज करते हैं वो है फाइनल क्राइटेरिया, ठीक है। फिजिबल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, नॉवेल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए। फिजिबल मीन्स आपके लिए फिजिबल होना चाहिए कि आप कैपेबल हैं इस रिसर्च के लिए। ऐसा तो नहीं कि मतलब आप विद इन टाइम लिमिट, जो आपका टाइम लिमिट है 2 साल का, 1 साल के बाद ही रिसर्च स्टार्ट होती है ना, या विद इन 3 इयर्स सिनॉप्सिस से लेकर पूरा रिसर्च तक आप कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं, बहुत लेंदी रिसर्च तो नहीं है, है ना। तो फिजिबल होना चाहिए, पेशेंट के लिए भी फिजिबल होना चाहिए, आप पेशेंट भी ऐसे लें जिनको फिजिबल हो, जो एक्सेप्टेंस ले सके उसको कर सके, ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के लिए भी फिजिबल होना चाहिए, आप एकदम एक्सपेंसिव रिसर्च करना चाहते हैं तो ये भी जो है वो देख के करना होता है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग, ऐसा मैंने कहा कि जो है इंटरेस्टिंग होगा तभी आप अच्छे से उसमें रिसर्च कर पाएंगे, ठीक है। और नॉवेल होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, आइडियाज न्यू होने चाहिए, रिपीटेड रिसर्च जो है वो उतना अट्रैक्ट नहीं करती है, ठीक है। और एथिकल होना चाहिए, आपका जो रिसर्च है वो एथिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो ICMR कोड ऑफ एथिक्स की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको रिसर्च होना चाहिए, और उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पेशेंट के साथ जस्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब जैसे हमने रिसर्च करना शुरू किया, एक टेस्ट ग्रुप कंट्रोल ग्रुप, टेस्ट ग्रुप को तो हम दवा दे रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप को कुछ नहीं दे रहे हैं, और डिजीज ऐसी है जो प्रोग्रेस हो रही है और पता चला कि पेशेंट के लिए फायदा नहीं हुआ, है ना, डेथ हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो जस्टिस होना बहुत जरूरी है, पेशेंट के लिए फायदेमंद होना चाहिए। ऐसी रिसर्च हम करें जो पेशेंट को बेनिफिट दे, चाहे जिस भी फील्ड में कर रहे हो उसमें बेनिफिट होना चाहिए, तो ये गाइडलाइन के मुताबिक होना चाहिए, और सबसे लास्टली वो रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम रिसर्च टॉपिक को चूज कर सकते हैं। गाइनी में रिसर्च टॉपिक्स जो है वो देख रहा है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स में से आप कोई भी टॉपिक्स चूज कर सकते हैं। मेन टॉपिक्स मैंने लिए हैं, जैसे कि बर्मे रहम है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, प्रोलैप्स, फाइब्रॉइड, तो बहुत जो आजकल बहुत कॉमन है, मुश्किल PCODs, ठीक है, और ऑब्स्टेट्रिक्स में भी आप रिसर्च कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स पे रिसर्च हो सकता है। अब रिसर्च की टॉपिक्स हमने चुन लिए है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक टॉपिक लिया और उस पर रिसर्च करेंगे। कैसे रिसर्च करेंगे, क्या रिसर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने चूज किया पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, है ना, एक टॉपिक है, लेकिन उसमें रिसर्च क्या करना है ये हमें पता ही नहीं है, तो उसके लिए हमें टॉपिक को रिफाइन करना पड़ेगा, है ना, हमें पता करना पड़ेगा क्या रिसर्च करना है उसके अंदर, है ना। तो जो बहुत जरूरी है रिफाइन करना, टॉपिक को रिफाइन करने के लिए या तो हम नैरो कर सकते हैं टॉपिक को, या हमें क्लियर नहीं है आइडियाज तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि टॉपिक जो है वो मोर क्लियर हो जाएगा, मोर स्पेसिफिक होना हो जाएगा, ठीक है, और फोकस्ड हो जाएगा हमें क्या रिसर्च करना है। रिफाइन के जरिए और क्या हो सकता है कि हम जो है ऑब्जेक्टिव अपना अचीव कर सकते हैं, हमें को अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा बाय रिफाइनिंग द टॉपिक्स। देन रिफाइनिंग के बेस क्या करें, हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं, तो जो सबसे पहली चीज है टॉपिक को रिफाइन करने का वो है आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दो, आप लिटरेचर सर्वे करें, लिटरेचर रिव्यूज करें, ठीक है, जितने भी लिटरेचर अवेलेबल है, जितने भी पब्लिश जर्नल्स हैं, पब्लिक रिव्यूज पेपर हैं, उन सबको पढ़ें, क्या क्या जो है किन किन चीज़ों पे रिसर्च हो चुकी है, क्या क्या एरिया है जो अभी बचा हुआ है, ठीक है, उन टॉपिक्स पे। इसके अलावा जो है आप सेम जैसे मैंने कहा कि सेमिनार अटेंड करके और OPDs में जाके, IPDs में देख के किस किस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, वहाँ से आप जो है वो रिसर्च को रिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि PCOD है, PCOD के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे हम रिसर्च का रिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन रिफाइन करने का तरीका है वो 5W question है, आप अपने आप से ये W questions पूछें, अगर इसका जवाब सही सही आप दे पा रहे हैं तो मतलब आपने टॉपिक को रिफाइन कर लिया है। जैसे कि हु, हमें रिसर्च किस पे करना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पेशेंट पे करना है, पेशेंट कौन होगा, फीमेल पेशेंट है, मेल पेशेंट है, या फिर
अगर पेशेंट पे नहीं करना है तो एनिमल है, ठीक है, एनिमल नहीं है तो हमें लिटरेचर सर्वे करना है, तो रू जो है वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज व्हाट करना है, व्हाट इज द टॉपिक, किस टॉपिक पे हमें करना है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने पीसीओडी लिया है या फिर हमने मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर लिया है, तो क्या रिसर्च करना है ये पता होना चाहिए। और तीसरी चीज वेयर, कहाँ करना है रिसर्च, है ना, जैसे कि सर्वे है तो जरूरी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट में रहकर ही करें, आप कहीं बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट के अंदर करना है या इंस्टीट्यूट के बाहर करना है, ठीक है, ये भी होना चाहिए। ओपीडीज में करना है, अपने इंस्टीट्यूट के ओपीडीज में करना है और दूसरे इंस्टीट्यूट के ओपीडीज में भी करना है हॉस्पिटल में, इसके अलावा कब करना है, ठीक है, टाइम लिमिट होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरे दो साल सिर्फ रिसर्च ही करने लग गए तो आप उसका फिर पब्लिश कब करेंगे, आप उसको डिजाइन कब करेंगे, है ना। और जो लास्ट है वो है वाई, क्यों आप रिसर्च करना चाहते हैं, ये जो वाई है यही आपको ऑब्जेक्टिव बताएगा, ठीक है। जैसे कि पीसीओडी है, उस पर आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस हैं, बहुत ज्यादा कॉमन है ना, बहुत सारे आपके दिमाग में आएंगे, आप लिटरेचर सर्वे करेंगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो आपको ये वाई का जवाब मिलेगा कि आप क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो फाइनली डिफाइन द टॉपिक, अब मान लीजिए कि हमने टॉपिक डिफाइन कर लिया, तो अब हम क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं इस्लामाबाद, ठीक है। में रिसर्च करने के लिए थोड़ा सा हम बेसिक में जाते हैं, ठीक है, बेसिक्स क्या क्या है और हम किस किस टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं और कौन कौन से एरिया में रिसर्च कर सकते हैं, स्पेशली किसी टॉपिक के एरिया पर, ठीक है। बेसिक हम सब जानते हैं कि हेल्थ के लिए जो चार असबाब है वो बहुत जरूरी है, उसको असबाब बदन कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, असबाब माध्यम, असबाब फाइलम, असबाब सॉरियम और असबाब तमाम। माध्यम मीन्स क्या है, आजम, अखलाक, अरवा, अरकान, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो गया, अरकान, अखलाक, आजम और अरवा, ठीक है। ये जो है वो इन्हीं से बना है बॉडी, इन्हीं से मिलकर बॉडी बना है, जैसे कि हम कहते हैं अरकान और अखलाक, आजा और अरवा, इन्हीं से क्रिएट हुई है बॉडी, ठीक है। उसके अलावा असबाब फाइलम, असबाब फाइलम पे बात करें तो ये दो तरह से हो सकता है, सिक्स एसेंशियल फैक्टर्स और नॉन एसेंशियल फैक्टर्स। एसेंशियल मीन्स जो डायरेक्टली हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं और नॉन एसेंशियल जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और जो ये दोनों फैक्टर हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैक्टर्स, इन दोनों को हम मॉडिफाई या जो भी अकॉर्डिंगली पेशेंट की ज़रूरत है, जो हम टॉपिक लिए हैं उस टॉपिक की ज़रूरत है, उसके ज़रिए हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को, ठीक है। फिर आता है असबाब सौरिया, असबाब सौरिया जो है वो शक्लों को बनाती है और असबाब तमामिया अफ़ाल को देखती है। इसके अलावा असबाब सेहत के और भी कॉजेज हैं, असबाब बातिया, ठीक है, असबाब साबिका और असबाब वाले, ये सब आप लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, पहले से आपको मालूम है। आते हैं थोड़ा सा कॉज की तरफ, एटियोपैथोजेनेसिस, आखिर ये कैसे डिजीज कॉज करती है, ठीक है। तो पैथोलॉजी से पहले थोड़ा सा फिजियोलॉजी देख लेते हैं कि असबाब माध्यम जो आग है, हवा है, पानी है और मिट्टी है, ठीक है। आग स्टैंड फॉर हीट और एनर्जी, है ना, बॉडी के लिए। हवा स्टैंड फॉर रूह, सब जानते हैं हम, और पानी अखलाक है और मिट्टी जो है वो ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स है। इन सब के मिलने से अप्रोप्रिएटली ये सब मिलके एक बॉडी फॉर्म करते हैं, इंसानी जिस्म बना है, इन्हीं से मिलती है, ठीक है। तो अब ये जो है वो जब इन सब से चारों से मिलके बना है तो क्या होता है कि ये चारों मिलके एक मिजाज बनाते हैं। जब चारों एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं, प्रॉपर रेशियो में मिलते हैं, तो मिजाज बनता है, ठीक है। और ये मिजाज अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम सेहत के हैं। दूसरी तरफ हम उपरात का थ्योरी ऑफ अखलाक जानते हैं, उसमें क्या है कि जो अखलाक हैं वो भी बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। अगर वो ज़रा भी गड़बड़ हो गया, उसमें तनयुर आ गया, तो फिर हेल्थ नहीं रहती है। उसी तरीके से हवा मतलब रूह भी बॉडी को प्रॉपरली मिलती रहनी चाहिए, जैसा कि अभी भी हम जानते हैं कि टिश्यू का ऑक्सीजनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मिट्टी, बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो अगर प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो वो भी डिजीज वाली कंडीशन होती है, ठीक है। तो इन चारों का प्रॉपरली जो है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और प्रॉपर वे में मिक्सिंग होना चाहिए, उसके बाद जो है वो ये मिजाज बनता है, ठीक है। अगर ये मिजाज इक्विलिब्रियम में है तो हेल्थ है, और अगर नहीं है तो हेल्थ नहीं है। फिर क्या होता है कि ये सब अगर इक्विलिब्रियम में है तो ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली अपना काम करती है। काम किसके जरिए करती है, कुव्वत गाज़िया के जरिए। सारे ऑर्गन्स का अपना अपना कुव्वत है, हर ऑर्गन कुव्वत गाज़िया के जरिए उनको न्यूट्रिशन मिलता है और उस न्यूट्रिशन के बदले में वो अपना फंक्शन करती हैं, एनर्जी जो रिलीज होता है उसको यूज करती हैं, ठीक है।
ये था नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब आते हैं पैथोलॉजी की तरफ, होता क्या है। अब जैसे कि इक्विलिब्रियम में था मिजाज जब तक सेहत थी, अब क्या होगा मिजाज का इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, अब क्या होगा सूर्य मिजाज, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि अखलाक, वो भी इक्विलिब्रियम में है और अब जो है वो नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम में है किसी भी वजह से, चाहे वो अस्बाब साबका हो, चाहे वो अस्बाब वासला हो, चाहे वो अस्बाब बादिया हो, किसी भी रीजन की वजह से इक्विलिब्रियम उसका बिगड़ गया तो क्या हो जाएगी डिजीज वाली कंडीशन हो जाएगी। इसके अलावा अरवा, अरवा जो बॉडी को प्रॉपरली मिल रहा था, हम सांस ले रहे थे, हवा पूरी की पूरी रूह अंदर जा रही थी, अब क्या हो किसी भी रीजन की वजह से वो कम हो जाए या घट जाए या खत्म हो जाए तो वो भी डिजीज कॉज करेगी। और लास्टली जब ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी तो ऑर्गन, जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगी, ठीक है। और वो काम नहीं करेंगी तो फिर वो भी डिजीज वाली कंडीशन होगी। तो ये प्रॉपर पैथोलॉजी है। एक्चुअल में है क्या कि अखलाक के जरिए ही न्यूट्रिशन जाती है अकॉर्डिंग टू यूनानी, और वैसे भी ब्लड के थ्रू ब्लड वेसल्स, ब्लड के जरिए ही सारे न्यूट्रिशन जो है वो टिश्यू को जाते हैं, है ना। तो अब क्या है कि अब ब्लड के जरिए अखलाक ही सही नहीं है तो क्या होगा कि तकजिया नहीं मिलेगी ऑर्गन को, ऑर्गन को तकजिया नहीं मिलेगा तो ऑर्गन सही से फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक पैथोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम एक डिजीज का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, यूट्रस का सूए मिजाज हो गया बारिश, ठीक है, तो दो चीज हो सकती है, वो न्यूट्रिशन को नहीं ले पाएगा, है ना, कुवत ही नहीं है, कुवत लाज़िया कैसे काम करती है, कुवत जज़्ब करती है न्यूट्रिशन को, उसके बाद क्या करती है मास्क करती है, और फिर हजम करती है अपने बॉडी के ऑर्गन जैसा, अपने ऑर्गन जैसा बनाती है, और लास्टली जो फिजलात होते हैं उसको दफा करती है, यही होता है ना फिजियोलॉजी। अब क्या है कि जोफे कुवत हो गई है वो ले ही नहीं पा रही है, या ले रही है तो उसको मास्क नहीं कर पा रही है, और अगर मास्क भी कर लिया तो हजम नहीं कर पा रही है, और अगर ये सब चीजें हैं तो दफा नहीं कर पा रही है, कुछ भी कुवत जो है वो जोफ हो गई इन चारों में से, तो क्या होगा कि फुजलात को वो दफा नहीं कर रही, अगर वो फुजलात को दफा नहीं कर पा रही थी, ठीक है, तो क्या कंडीशन लीड हो सकती है, तो उससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि वो सिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जैसा कि हम सब जानते हैं पीसीओडी हो जाएगा। दूसरी चीज ये हो सकता है कि वो वेसल्स को डायलेट करेगा, वेसल्स में रहते रहते, है ना, तो वेसल्स डायलेट होगी तो उससे क्या होगा फिर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। और इसके अलावा और क्या हो सकता है कि जब बहुत ज्यादा एक्युमुलेशन हो गया तो वो बैक फ्लो करेगा, ठीक है, बैक फ्लो टू ऑर्गन, सबसे पहले लीवर से इसका हमला होता है, लीवर में जाएगा बैक फ्लो करके, तो लीवर में सूए मिजाज कॉज करेगा, और अगर लीवर से भी और दूसरे ऑर्गन्स में गया तो पूरे बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, खासतौर पे जैसे कि हमने मिजाज बारिक लिया है यूट्रस का तो क्या क्या होगा, फिर सुटिज्म हो सकता है, है ना, और क्या हो सकती है, एक्ने हो सकता है, एकेंथोसिस निकल का जो ब्लैकनेस होती है वो हो सकता है, इसके अलावा ओबेसिटी भी हो सकती है, ठीक है, ओबेसिटी छूट गया एक्चुअली, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक सूए मिजाज बारिद ऑफ यूट्रस से होती है, कैन यू इमेजिन। तो अगर हम सूए मिजाज को देखें, 16 टाइप्स के सूए मिजाज हो गए, है ना, एक एक मिजाज को अगर हम देखें तो उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी डिजीजेस सिर्फ सूए मिजाज बारिश से हो रही है, दूसरे मिजाज में अगर चेंजेस होता है उससे भी हो सकता है, जैसे कि दमरी से भी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, सूए मिजाज दमरी वहाँ भी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, सूए मिजाज दमरी वहाँ भी इन्फेक्शन हो सकता है, सूए मिजाज बारिश से इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली स्लाइड में इतनी जगह नहीं थी कि मैं और ज्यादा इसको प्रोसेस कर पाती, ठीक है। तो एक डिजीज के लिए बहुत सारे कॉज जो है वो हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सूए मिजाज बारिश से यही डिजीजेस हों, ठीक है। तो ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि डिजीज जो है वो 3 टाइप में कन्वर्ट है, ये सब आपको पता है, सूए मिजाज, सूए तरकीब और तफरुक के साथ, इन तीनों एरिया में से आप किसी में भी आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सूए मिजाज को उठाएं और उसके उसके लिए देख सकते हैं, या एक डिजीज को उठाएं और वो देखें कि वो कौन कौन सी कॉज हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो इन सब में आप रिसर्च कर सकते हैं। अब आते हैं डायग्नोसिस की तरफ, डायग्नोसिस में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो एक्चुअली यूनानी में जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो यही चार हैं, ठीक है, मिजाज, नक्स, बॉल, बराज,
जो कि अब बहुत ही पीछे चला गया, अब मॉडर्न जो है वो रिसेंट एडवांसेस आ गए हैं, रिसेंट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, रिसेंट ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स आ गए हैं, तो ये सब जो है वो अब यूज ही नहीं होता है। इवन हम डेली प्रैक्टिस में इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं, है ना, हम मॉडर्न जो रिसेंट एडवांसेस उसको यूज करते हैं, तो इन सब का उतना अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है, या एक्सप्लोर भी हुआ है तो वो यूज में नहीं है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिजीज के लिए, और हम सबको पता है कि चार तरह के ये ट्रीटमेंट है, इलाज की तदबीर है, इलाज की सजा है, इलाज की दवा है और इलाज की लीडर। इलाज की तदबीर में हम क्या क्या कर सकते हैं रिसर्च में, है ना, तो हम सबसे पहले जो इलाज की तदबीर में जो हमने बताया कि प्रिवेंटिव फैक्टर सिक्स जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैक्टर्स हैं, है ना, जिसको अगर वो बैलेंस्ड हैं, अगर वो सही हैं, प्रॉपर है, प्रॉपर वे में है, चाहे वो हवाएं मुहित हो, चाहे बहुत अगर सुकून बदनी हो, अगर सुकून नुकसानी हो, माकूलों में शुभ हो या नॉम हो या इस्तेमाल हो, इन सब को अगर ये सब प्रॉपर वे में है तो बेहतर है। अगर ये बिगड़ गई है तो हमें सबसे पहली चीज जो करनी है वो ये कि इनको हमें मॉडिफाई करना है, जिस चीज की जरूरत है उसको हमें देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पीसीओडी है ना, पीसीओडी के लिए हम रियाजत करवा सकते हैं, क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो बलगम है वो बलगम रिलीज होगा, मवाद का इमाला हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में लोग कहते हैं कि बहुत नॉर्मल कॉमन कंप्लेंट है, दलक उसमें बहुत ही इफेक्टिव है, इवन मॉडर्न में रिसर्च बताती है कि दलक जो है वो बहुत इफेक्टिव है उसमें, ठीक है, या फिर फसद है, हमाम है, ओबेसिटी में हमाम बहुत इफेक्टिव है ना, तो हम इलाज की तदबीर के जरिए, या फिर हिजामा बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिजामा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, यूनानी गायनी की बहुत सारी डिजीजेस हैं जिसमें हिजामा जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है, चाहे वो कोई भी हिजामा हो, हिजामा भी शुरू या हिजामा बिना शुरू, इन सब पे हम रिसर्च कर सकते हैं। आते हैं इलाज योजना की तरफ, तो जो भी डिजीज है, चाहे वो इतनी सारी लिस्ट हमने देखे गायनी के, जो भी डिजीज है उसके डिजीज के जस्ट उल्टा हम क्या करते हैं, इलाज की जिद के जरिए हम करते हैं, है ना, इलाज, तो जो भी डिजीज है जैसे कि सुई मिजाज बारिद है तो हम उसे कैसे खाना यूज करने के लिए कहेंगे, कैसी दवाएं देंगे, जो सुई मिजाज सॉरी जिसका मिजाज हार हो चुकी, बारिद हो चुका है, तो उसको वो हार के जरिए जो है हम ट्रीट कर सकते हैं, तो इलाज की योजना बाय मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं खासतौर पर, जैसे कि कोई, और उसके अलावा जो हेल्थ की कंडीशन है, जैसे कि कोई प्रेगनेंट है उसको हम किस तरह की सजा दे सकते हैं, या फिर कोई लैक्टेटिंग है उसको हम कैसी दवाएं दे सकते हैं, कोई मेनोपॉज़ल वुमेन है उसको हम कैसी सजा दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ों पर हम रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आते हैं इलाज की दवा की तरफ, इलाज की दवा जो है वो बहुत ही वास्ट है, सबको पता है इतनी जखीरा है दवाओं के यूनानी में, और सब पे अब तक बहुत कुछ ही दवाओं पे रिसर्च हुई है, सारी दवाएं ऐसे ही हैं जिन पे अभी तक कोई रिसर्च नहीं है, ना ही उसका हमें मेकानिज्म पता है कि वो बॉडी में कैसे एक्ट करती हैं, ठीक है, तो इन सब पे आप रिसर्च कर सकते हैं, खासतौर पर जैसे कि कोई दवा है उसकी क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू क्वान्टिटी, अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स, ठीक है, और इसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गायनेकोलॉजी में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जैसे कि अगर किसी को सैलानोरेहम है या पीआईडी है, हम ये देख सकते हैं कि उसको लोकली ज्यादा इफेक्ट आ रहा है या ओरली ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी हम कर सकते हैं रिसर्च, और टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस टाइम में हमें कौन सी दवा लेना है उस पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जिन पर रिसर्च हुआ नहीं है अभी तक, जैसे कि ऑब्स्टेट्रिक्स बिल्कुल ही एकदम नील है इसमें यूनानी फील्ड में, ऑब्स्टेट्रिक्स में कोई रिसर्च ही नहीं अभी तक हुई है, या हुई भी है तो बस एक दो, जैसे कि नोजिया एंड वोमिटिंग है ना, और या दलक के बारे में अभी मैंने बात किया, तो बाकी सारे ऐसे ही हैं, बहुत सारे एरियाज हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास लिटरेचर नहीं है, ठीक है, इंडक्शन ऑफ लेबर, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है जिसपे हम रिसर्च करें, एक दो ही मेडिसिन हैं जिसपे हम रिसर्च हुई है या रिव्यू पेपर्स हैं, आप सब कर सकते हैं, पीपीएच हो जाए या एपीएच हो जाए, है ना, या फिर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन के लिए हमारे पास बस एक दो दवाएं हैं जिनपे रिसर्च हुई है कि हाँ ये इंड्यूस करती है ओव्यूलेशन को, तो इन सब एरिया में आप रिसर्च कर सकते हैं। और लास्टली आता है इलाज के लिए सर्जरी, हम क्या क्या सर्जरी कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर इसी का है कि सर्जरी में आप क्या क्या कर सकते हैं यूनानी फील्ड में, ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो कंक्लूजन आया कि हम किन किन चीजों में रिसर्च कर सकते हैं, सबसे पहले एटियोलॉजिकल या एटियोपैथोजेनेसिस जो उसका पैथोफिजियोलॉजी है उस पर, ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं किसी डिजीज का, या उसका प्रोग्नोसिस कैसे कैसे होता है इसके लिए हम रिसर्च कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक टूल क्या क्या हम यूज कर सकते हैं उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं, और लास्टली ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट बहुत ही वास्ट जो मैंने बताया इन सब पे हम रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब रिसर्च क्वेश्चन हमने कर लिया कि हमें रिसर्च किन किन टॉपिक्स पे किस किस एरिया में गायनी के कर रहे हैं, तो बात आती है कि किस टाइप का रिसर्च कर रहे हैं, है ना, हम कौन से टाइप का रिसर्च करें जो हमारे लिए फायदेमंद हो, क्योंकि आपको रेलिवेंट रिसर्च करना है, ऐसा नहीं है कि कुलियात वाले जो है वो इंटरवेंशनल रिसर्च करेंगे, है ना, तो रेलिवेंट रिसर्च के लिए आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च जानना बहुत जरूरी है, कौन से टाइप का रिसर्च करना है, ठीक है,
तो आपको दिख ही रहा होगा इतने सारे ढेर सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, और मेडिकल फील्ड में भी बहुत है। आप जो है वो एनालिटिकल रिसर्च कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, है ना, या फिर कंपेयर यूनानी एथियोपैथोजेनेसिस को मॉडर्न एथियोपैथोजेनेसिस से कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं रिसर्च, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंटल में भी दो तरह की रिसर्च है, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल में हम एनिमल पे रिसर्च करेंगे, पहले हम उसकी सेफ्टी देखेंगे कि वो जो हम दवा जिस दवा पे हम रिसर्च कर रहे हैं वो वेदर इफेक्टिव सेफ है कि नहीं है, वो टेराटोजेनिक तो नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लूप मॉक्सूल है ना, लूप मॉक्सूल का मेन इंग्रेडिएंट है, हम जानते हैं कि वो टेराटोजेनिक है, उसका इफेक्ट टेराटोजेनिक है ना। तो उसी तरीके से हम एनिमल पे स्टडी करके पहले हम देखेंगे कि वेदर दिस ड्रग इज सेफ और नॉट, ठीक है। अब हम आते हैं क्लिनिकल ट्रायल की तरफ। क्लिनिकल ट्रायल में भी बहुत सारे फेजेस हैं, फेज वन करना चाहते हैं, फेज टू करना चाहते हैं, फेज थ्री और लास्टली फेज फोर, ठीक है। इन सब में हम सेफ्टी और एफिकेसी दोनों देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स पे आप रिसर्च कर सकते हैं। जब हम रिसर्च टाइप्स चूज कर लेते हैं तो बात आती है रिसर्च डिजाइन की, हमें किस डिजाइन का रिसर्च करना है, ठीक है। हमें रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल करनी है या नॉन रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल करनी है, हमें ऑब्जर्वेशनल स्टडी करना है बस हमें देखना है, या नॉन इंटरवेंशनल हमें कोई इंटरवेंशन नहीं करना बस रिव्यू करना है, ठीक है। या फिर अगर हम रैंडमाइज्ड कर भी रहे हैं तो हमें ब्लाइंडेड करना है, हमें पेशेंट को कुछ नहीं बताना हम क्या दे रहे हैं, क्या इंटरवेंशन दे रहे हैं उसको, ठीक है। या फिर सिंगल ब्लाइंड हो, डबल ब्लाइंड हो, ट्रिपल ब्लाइंडेड हो, जो भी हमें करना है वो हमें डिजाइन को देखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली हम उसको डिजाइन करेंगे। तो फाइनली हम आता है समरी के कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज हमें इंटरेस्ट देखना है, हमें किस एरिया में रिसर्च करना है, ठीक है। जैसे गाइनी है या जो भी डिपार्टमेंट है उसमें हम एरिया देखेंगे, फिर उसके बाद हम रिसर्च टॉपिक चूज करेंगे, कोई भी टॉपिक चूज किया, इतने सारे टॉपिक्स आपने देखे, उसके बाद हम उस टॉपिक को रिफाइन करेंगे कि हमें इस टॉपिक के अंदर क्या चीज पे रिसर्च करना है, ठीक है। और लास्टली हम रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। जब हम रिसर्च क्वेश्चन बना लिया हमने तो उसके बाद रिसर्च डिजाइन बनाना है, और रिसर्च डिजाइन के बाद फाइनली आपका सिनॉप्सिस जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस कोड के साथ कि इट डजंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज भी है, हमारे पास यूनानी में बहुत सारे जखीरा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो अभी तक क्लियर ही नहीं है, एक्सप्लोर ही हम नहीं कर पाए हैं। तो इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज देम इट विल नेवर बी, हमें यूज करना आना चाहिए कि हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो कदम बढ़ाए, ठीक है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। Any question? Assalamu alaikum. Myself Mujaffar Salama, Department of Mohalija. And another question is कि जैसे PCOD के बारे में आपने बता दें तो इस पर बहुत सारे काम हो चुके हैं, जैसे नए नए काम हुआ है, लेकिन जो चीजें काम हुई हो चुकी है अवेलेबल क्यों नहीं है मार्केट में या हमारे OPD में, थोड़ा सा। तो यहाँ के OPD में अवेलेबल नहीं है, देखो मैनेजमेंट धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे डेवलप होगा तो यहाँ के OPD में अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी OPDs में अवेलेबल है और यूज होती है PCOD की दवा, और बहुत सारी दवाएं हैं जिसपे अभी रिसर्च क्लियर नहीं है, इसीलिए वो बस ऐसे ही रिसर्च हो रही है, आप लोग रिसर्च करें उस पर और उसको अवेलेबल करना है। जैसे कि मैंने कहा कि चार फेजेस हैं क्लिनिकल ट्रायल के, ठीक है, फेज फोर जो है वो यही है मार्केटिंग सर्वेलेंस, हम मार्केट में जो है वो डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वहां से क्या फीडबैक आ रहा है, कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रही है, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। तो जब तक आप मार्केट में ड्रग्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे कि हाँ इस पर रिसर्च हो चुकी है, ये सेफ और इफेक्टिव है, अब जो है वो पॉपुलेशन में हमने दवाई दे दी है और वो क्या इफेक्ट डाल रहा है जब तक कुछ नहीं होगा, फेज फोर स्टडी इसी के लिए क्लिनिकल ट्रायल। सवाल कम आए हैं आप लोगों की तरफ से, सवाल आना चाहिए।
सवाल कम आने का कोई मतलब होता है, या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया है।